दोस्तों पूरी दुनिया में कई ऐसे बड़े देश हैं जो एक ऐसे सैटेलाइट को बनाना चाहते हैं जो कि एक्चुअल सैटेलाइट से नीचे और जो हवाई जहाज वगैरह उड़ता है उससे ऊपर, यानी कि सैटेलाइट और हवाई जहाज के बीच में हो। और इस डिफेंस वेपन्स को कहा जाता है हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट को बनाने में कई देश शामिल है। कई देश इस सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए अपने कई रिसोर्स को इसमें जोड़ चुकी है और अपना प्यारा भारत भी इस रेस में शामिल है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने इसे सक्सेसफुली डेवलप नहीं किया है, लेकिन भारत ने अपना प्रोटोटाइप बना करके तैयार कर लिया है। और उसका जो सेकंड टेस्ट है, हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट का जो सेकंड टेस्ट है, उसको भी भारत ने पास कर लिया है। भारत की जो CSIR है उसने इस सैटेलाइट को उड़ाया और वो सक्सेसफुली पास हो गया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इससे कैसे हम चाइना का काउंटर कर सकते हैं, क्यों दुनिया इसे बनाना चाहती है, आखिर इस डिफेंस सैटेलाइट की क्या वैल्यू है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों भारत के लिए जरूरी है। तो चलिए जानते हैं ये क्या है, भारत की इसको जरूरत क्यों है और इसको भारत में कौन बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, भारत सरकार ने इस सैटेलाइट को बनाने के लिए 2022 में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस सीडो सैटेलाइट को बनाने के लिए बेंगलुरु के एक स्टार्टअप कंपनी को बनाने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसे हमें DRDO, HAL और भी कई बड़े बड़े संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, उनको देना चाहिए, एक स्टार्टअप कंपनी को क्यों दिया गया। तो गाइस, इसका मेन रीजन ये है कि जो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी उन पर कई सारे कामों का लोड है, वो भारत के कई डिफेंस सेक्टर को संभाल रही है और हम ये चाहते हैं कि हम किसी दूसरे विदेशी कंपनी को ये काम ना दें, भारत के कंपनी को दें। तो इससे हम किसी दूसरे कंपनी को दे भी नहीं सकते थे, नहीं तो अपना प्यारा भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। इसलिए भारत ने इसे इंडियन कंपनी को दिया, वो भी स्टार्टअप कंपनी को। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करेगी, ये भी सवाल आता है। और दूसरे साइड भारत को डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए नई नई कंपनियों की जरूरत है भारत में, जो कि इंडियन कंपनी हो। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है तो सबसे पहले उसको गाइडेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। DRDO के पास जो एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपीरियंस इन सारे छोटे मोटे कंपनियों के साथ शेयर होना चाहिए और इन्हीं सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए भारत में IDEX करके एक प्लेटफॉर्म चलाया गया, जिसके तहत भारत के अंदर जो भी नए स्टार्टअप होंगे उनको फंडिंग किया जाएगा, गाइडलाइंस दिया जाएगा, एक्सपीरियंस दिया जाएगा। और इसी IDEX प्लेटफॉर्म के तहत बेंगलुरु के एक नए स्टार्टअप कंपनी को सीडो सैटेलाइट बनाने के लिए कहा गया कि पूरी दुनिया ये जो सीडो सैटेलाइट बनाना चाहती है, इस पर आप लोग काम कीजिए एक पूरे नए तरीके से। यहाँ पर आपको बता दे गाइस कि इस नए स्टार्टअप का नाम था न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। वैसे तो हमारे पास इसरो पहले से है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया गया और इसको ये काम सौंपा गया कि आप सीडो सैटेलाइट HAPS को बनाओ। तो चूंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी है तो इसके पास गाइडलाइंस या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसकी हेल्प के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका हेल्प कर रहा है, भारत की जो HAL है वो भी इसकी हेल्प कर रही है, इसके बाद जो भारत की आर्म फोर्स है वो भी इसकी हेल्प कर रही है, और ये सारे लोग मिल करके भारत के अंदर तैयार कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट। तो यहां तक ये क्लियर हो गया कि ये जो हाई स्पीड सीडो सैटेलाइट है इसे कौन बना रहा है, इसके लिए भारत सरकार का क्या प्लान है। चलिए समझते हैं कि हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट है क्या। जैसा कि गाइस मैंने शुरू में बताया, ना ये पूरी तरह से सैटेलाइट है और ना ही हवाई जहाज है, बल्कि इसके बीच का है। बीच का मींस क्या, देखिए ये रहेगा तो हवा में ही और सैटेलाइट के जैसा ही दिखेगा, लेकिन ना ये सैटेलाइट है और ना ही हवाई जहाज है। अगर कोई हवाई जहाज है या कोई जेट है डिफेंस के एरिया में, या चाइना अपने घर के अंदर ही कुछ कर रहा है और हमें पता लगाना है कि चाइना क्या कर रहा है, तो इसके लिए अगर हम चाइना के ऊपर किसी एयरक्राफ्ट या विमान को भेजते हैं तो इससे चाइना को पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर कोई दुश्मन है और वो आपको मार के गिरा देगा। अगर हम सैटेलाइट का यूज करते हैं तो सैटेलाइट आपको उतना अच्छा व्यू नहीं देगा, क्लाइमेट चेंज, क्लाउड, बारिश, तूफान, सैटेलाइट काफी दूर होता है, क्लियर पता नहीं चलेगा कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया के साथ है और पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहती है, और इसीलिए पूरी दुनिया हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट तैयार कर रही है। इससे होगा ये कि ये किसी भी रडार के रेंज से काफी ऊपर होगा और सैटेलाइट से नीचे होगा, तो हमें जो भी सर्वेलेंस करना है वो हम आसानी से कर पाएंगे, ना हमारे दुश्मन देश को पता चलेगा और ना ही हमें क्लाइमेट चेंज, बादल, बरसात, पानी, मतलब क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, इजीली हम पता कर सकते हैं क्योंकि ये सैटेलाइट से नीचे होगा। एक नॉर्मल हवाई जहाज 30,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन इसकी जो हाइट होगी ये हवाई जहाज के रेंज से काफी ऊपर होगी, मान लीजिए डबल, 65,000 से 70,000 फीट पर और सैटेलाइट से काफी नीचे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इससे हम बहुत सारी चीज कर पाएंगे, हम अपने दुश्मन पर नजर रख पाएंगे, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है उसको जान पाएंगे, वेदर चेंज, मौसम, इन सारी चीजों को भी जान पाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके लिए हमें सैटेलाइट को लॉन्च करने जैसा खर्चा नहीं आएगा, इसके लिए हमें कुछ सेटअप नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई ऐसा स्टेशन नहीं चाहिए कि जहां पर इसे लगा करके सैटेलाइट के जैसा लॉन्च करना पड़े, वो सब उलझन नहीं होगा यहां पर। और ये पूरा सैटेलाइट सोलर सेल से लेस होगा, यानी कि ये सोलर एनर्जी से काम करेगा,
इसके अलावा इसमें हीलियम का यूज किया गया है क्योंकि हीलियम काफी हल्का होता है। अगर गुब्बारे में हीलियम गैस भर दिया जाता है तो गुब्बारा ऊपर चल जाता है। उसी तरह इसमें हीलियम गैस का यूज किया गया है ताकि ये हवा में हल्का हो और ये लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इसका वजन भी बहुत कम है, आप देख सकते हैं कितना पतला है। अगर इसके स्पेशल यूज की बात करें तो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, सर्वाइलेंस में हेल्प करेगा, अर्थ के ऑब्जर्वेशन में हेल्प करेगा, मिलिट्री के लिए हेल्पफुल होगा और एक सैटेलाइट में जो भी एडवांटेज है उस एडवांटेज को भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, आसानी से इसे सेटअप किया जा सकता है। तो गाइस आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है और कैसे वर्क करेगा। अगर ये भारत डेवलप कर लेता है तो भारत पहला देश हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को बनाने वाला और ये हमारा पहला स्ट्रेटोस्फेरिक व्हीकल होगा। आई होप कि गाइस आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट क्या है, क्यों जरूरी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।